आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू। तो मैंने 2 कप बेसन लिया है, ये रेगुलर बेसन ही है। यदि मोटा है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं तो मेरा घर का पिसा हुआ ही बेसन है, तो रेगुलर बेसन ही है ये। और ये है 1 कप शक्कर का बूरा। यदि 2 कप बेसन है तो 1 कप आपको शक्कर का बूरा लेना, पिसी हुई शक्कर नहीं लेना, हमको शक्कर का बूरा ऐसा आता है थोड़ा सा। और ये आसानी से किराने की दुकान पर मिल जाता है, और यदि आप घर पर बनाना चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी मेथड से बन जाता है। और ये आधा कप है शुद्ध घी, डिपेंड करता है कि हमारे बेसन के ऊपर, तो हमने आधा कप ही लिया है। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें से थोड़ा सा बचा लेंगे और फिर इसको हम जितना लगेगा उस हिसाब से डालेंगे। और थोड़े से ये ड्राई फ्रूट्स है, ये ऑप्शनल है। चलिए बनाते हैं। इसमें से हम 2 चम्मच के करीब हम शुद्ध घी बचा लेंगे, क्योंकि तो यदि घी ज्यादा हो जाएगा ना तो बेसन के लड्डू अच्छी तरह से बाइंड नहीं होंगे, इसलिए हमने घी बचा लिया है। और पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, इसमें एक सीक्रेट डालेंगे, वो बहुत अच्छा, इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा। हमने घी को अच्छी तरह से पिघला लिया है, हमको ऐसे ही लेना है जिस स्ट्रक्चर का मैंने घी लिया था। और हमको अब इसमें ये बेसन डाल, बेसन मैंने पहले से ही छान के रखा था, और अब इसको हमको बिल्कुल लो फ्लेम पर बेसन को भूनना है। बिल्कुल फ्लेम तेज नहीं करना है, क्योंकि फिर बेसन में कलर तो आ जाएगा पर वो जब हम खाएंगे तो है ना कच्चा कच्चा सा लगेगा, और कच्चा बेसन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सूखा सूखा सा है, पर जैसे जैसे बेसन सिकता जाएगा ना, वैसे वैसे जो भी हमने घी डाला है ना बेसन में, वो पूरा घी रिलीज कर देगा। तो हमको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको सेकने में, पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल भी आप जल्दबाजी ना करें बेसन को सेकने में। अभी हमको 3 मिनट ही हुए बेसन सेकते सेकते, और बेसन का टेक्सचर ऐसा है। अब धीरे धीरे हम है ना जितनी भी गुठलियां हैं इनको से दबाते दबाते सेकेंगे, तो आराम से इसका है ना घी रिलीज हो जाएगा, पर धीरे धीरे सिकेगा ये। अभी सूखा सूखा लग रहा है, पर जैसे जैसे सिकता जाएगा ना वैसे वैसे ये घी छोड़ता जाएगा। अभी हमको 3 मिनट ही हुए हैं, जब ये पहले स्टार्टिंग में हमको बेसन कैसा सूखा सूखा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि घी कम है, इसमें हमको घी और डालना पड़ेगा, पर जैसे जैसे सिकता जाएगा ना वैसे वैसे इसका घी अपने आप ही ये घी छोड़ता जाएगा। तो हमको लो फ्लेम पर ही, पर पूरी मेहनत बेसन के लड्डू में सिर्फ इसी की रहती है कि हमको बेसन सेकना रहता है, वो भी पेशेंस से। देखिए हमारा ऐसा कलर आ गया है। अब इसमें हम ये ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है मेरा, सनफ्लावर ऑयल है। इसमें कोई कलर कोई टेस्ट नहीं आएगा, पर जैसे मार्केट के हलवाई की दुकान के रहते हैं ना, ऐसे लड्डू में एकदम शाइन आ जाएगी। मैंने इस टीस्पून से 2 टीस्पून ऑयल डाला है, कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, आपको पूरा ऐसा घी का ही टेस्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर शाइन के लिए, क्योंकि मार्केट वाले शाइन के लिए लिक्विड ग्लूकोज यूज़ करते हैं, बहुत हार्मफुल रहता है वो मार्केट का, उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, तो हम वो नहीं डालेंगे। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा ऑयल डाला है अच्छी तरह से। देखिए कलर तो पूरा अच्छी तरह से आ गया है। अब इसमें हम ये बचा हुआ घी है, ये भी अभी हम 1 टीस्पून डालेंगे। यदि हमको लगता है कि और ज़रूरत है तो फिर थोड़ा सा और डालेंगे। अच्छी एकदम बढ़िया खुशबू आने लगी है, और ये अच्छी तरह से गया है, इसलिए मैंने घी बचा के रखा था। ये थोड़ा घी बचा रहेगा तो एकदम बाद में अच्छी तरह से शाइन भी अच्छी आ जाती है। देखिए पूरा अच्छी तरह से इसमें अभी ठंडा हो जाएगा ना, तो पूरा ऐसा घी छोड़ देगा ये थोड़ा सा। देखिए ऐसा पूरा घी इसका रिलीज हो गया है। इसको हमको गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और ये कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा, जब इसमें हम शक्कर का बूरा मिलाएंगे, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते, ठंडा हो जाएगा तो घी और रिलीज हो जाएगा। देखिए हमारा ये ठंडा हो गया है, ठंडा मतलब हल्का सा ऐसा है कुनकुना, जिसको हम हाथ लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा किशमिश है, और मैंने ना इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, पर वो वीडियो शूट नहीं हो पाया। और हम शक्कर का बूरा डालेंगे, उसको अच्छी तरह से हमको मिक्स करके, यदि आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर के बूरे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, पर वैसा टेक्सचर नहीं आएगा जैसे हलवाई की दुकानों पर आता है। और हमारे इधर खजराना मंदिर है, वहाँ तो बहुत ही टेस्टी प्रसाद के रूप में लड्डू मिलते हैं बेसन के, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप भी बनाइए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसको हम हाथ से करेंगे अच्छी तरह से, इसको हाथ से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें घी की क्वांटिटी कम है, वैसे घी की क्वांटिटी कम नहीं है, जब हम लड्डू बनाएंगे ना तो एकदम देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनते हैं। इसके लड्डू बनाते हैं, जो भी आप साइज बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा बना है, अंदर से भी टेक्सचर, जो भी आप छोटे बड़े जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। इस पर शाइन भी आई है, हमने शाइन इसके कारण आई है कि हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना, चाहे तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। यदि आप इसके लड्डू
डबल बनाना चाहे तो इसकी जो पूरी रेसिपी है उसको जस्ट डबल कर लीजिए, और इससे आधे बनाना चाहे तो उसका जस्ट आधा कर सकते हैं। और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसका। पूरे लड्डू बना के तो आपसे मिलते हैं। बनकर तैयार है हमारे बेसन के लड्डू, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी है। आप भी बनाइए, आप कैसे भी गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता से, मैंने काजू से गार्निश करे हैं और बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी बनाइए और बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।